मैं ज़रा बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल पावर 2 डी एक्स। फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 dx। ये 4 बेटा बाहर चला जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रल 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos² 2x। बेटा स्क्वायर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगेगा 1/4, 1 प्लस 2 cos 2x एज इट इज आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस cos 2x/2। तो बेटा यहाँ पर एक्स क्या होगा, अब एक्स यहाँ पर 2x है तो ये आ जाएगा 1/4, ये आएगा 1 प्लस 2 cos 2x। यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे, ये 1/2 प्लस cos 4x/2 dx। अब हो जाएगा इंटीग्रेट आमना बेटा। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसको कर लिएगा। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, तो यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, अब बात हो रही है यहाँ पर साइन और कॉस की ही। साइन और कॉस हो और पावर क्या आ जाए, ऑड। पावर हो ऑड, तो कैसे सॉल्व करना है, सवाल पे चलते हैं। सवाल से बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। सवाल में हमसे कहा जा रहा है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे सवाल को करने का कि आप करें क्या बेटा, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर इस पावर को इवन बनाएं। पावर को इवन कैसे बनाएंगे, साइन क्यूब एक्स में से एक साइन एक्स निकाल लेंगे, सेपरेट एक्स साइन एक्स कर दिया हमने यहाँ पर। अब बेटा जो साइन एक्स हमने निकाला है, हम इसको छोड़ के जो दूसरा साइन है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉस में। कैसे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा जब भी ऑड पावर आ जाए तो आपको ये करना है, एक वैल्यू को सेपरेट करके उस पर फॉर्मूला लगा देना है जो वैल्यू रह जाए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस cos² x इंटू साइन एक्स डी एक्स। बेटा ये साइन एक्स डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये साइन एक्स डी एक्स कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रल cos² x इंटू साइन एक्स डी एक्स।
अब बेटा करना क्या है, देखो यहाँ पे तो खाली साइन एक्स लिखा हुआ है और साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पे माइनस का कॉस आता है, ये तो हम लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का कॉस एक्स आ गया। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो हम क्या चेक करते हैं कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर बेटा कॉस बेस है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना इस पर, तो यहाँ पर कॉस जो है वो बेस है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। क्या बाहर माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो बाहर साइन एक्स लिखा हुआ है लेकिन माइनस नहीं लिखा हुआ, तो हम करेंगे क्या, इस माइनस को अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पर प्लस की साइन लगा देंगे। आ रही है बात समझ में, प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि। अब बेटा ये जो पूरी वैल्यू है ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है, तो बेटा बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, जो वैल्यू बच जाएगी उसमें ऐड वन इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, मतलब कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 + c आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल पे लिखा हुआ है पार्ट 4 में इंटीग्रल cos 5x dx। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर cos की पावर 5x है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, एक पावर अलग कर देंगे, तो cos 4x into cos x लिख देंगे। जो वैल्यू बच गई है, ये जो वैल्यू बच गई है, इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, cos² x² cos x dx। बेटा कॉस स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1 - sin² x² into cos x dx। अंदर बेटा फॉर्मूला लग जाएगा, a² - 2ab + b² इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये कॉस एक्स डी एक्स सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा sin² x cos x dx। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ जाएगा sin⁴x cos x dx। सबको अलग अलग कर दिया। अब सबको अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे वही देखेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस का इंटीग्रल, कॉस को इंटीग्रेट, एंगल इसका क्या है एक्स, एक्स का डायरेक्टर 1 ही होगा, तो 1 तो मौजूद है, कॉस को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन आ जाएगा, माइनस की साइन आ गई, 2 आ गया। बेटा दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, ये दोनों वैल्यूज, तो बेस क्या है साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेरिवेटिव ऑफ बेस है, तो हम क्या करेंगे इसमें एड 1 इन दी पावर sin³x / d पावर, प्लस की साइन यहाँ पर आ जाए दूसरी वैल्यू पे, दूसरी वैल्यू में भी क्या है, दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, बेस क्या है ये साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, इस वैल्यू पे एड 1 इन दी पावर / d पावर, प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी सवाल में? अच्छा तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7, cos³y/3
डी वाई। यहां पर पावर ऑड है, वही काम करना है। कॉस स्क्वायर वाई अपॉन थ्री अलग कर दिया एंड कॉस वाई अपॉन थ्री अलग कर दिया डी वाई, सही है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन थ्री, और साथ में आ जाएगा हमारे पास कॉस वाई अपॉन थ्री डी वाई। अच्छा, मैं बच्चों से एक बात ये कहता हूँ, इसको एक और तरीके से समझाता हूँ कि जो वैल्यू हमने अलग करी है, ये बात हमें सोचनी है कि ये किसका डेरिवेटिव है। कॉस लिखा हुआ है, कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, सही है। जो कॉस का एंगल है वही साइन का एंगल होगा, कॉस का एंगल वाई अपॉन थ्री है तो साइन का एंगल वाई अपॉन थ्री होगा। तो कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है। तो साइन वाई अपॉन थ्री का अगर डेरिवेटिव हम देखें बेटा, तो साइन वाई अपॉन थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई अपॉन थ्री, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल डी वाई आएगा। एंगल क्या है, वाई अपॉन थ्री, तो यह आ जाएगा कॉस वाई अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और वन अपॉन थ्री मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा वन अपॉन थ्री कॉस वाई अपॉन थ्री। तो साइन वाई अपॉन थ्री का डेरिवेटिव अगर यहाँ पर हमें चाहिए, तो हमें इस वैल्यू के साथ क्या चाहिए, हमें इस वैल्यू के साथ वन अपॉन थ्री चाहिए। मैं ज़्यादातर बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई क्या कर लो, पहले से ही क्या कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, इसके वन अपॉन थ्री चाहिए तो आपने इसके साथ डिवाइड करा दिया वन अपॉन थ्री को, और यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब साइन का डेरिवेटिव ये मौजूद है, इसको छोड़ के जो वैल्यू बच गई है उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर वन अपॉन थ्री लिख दिया, बाहर वन अपॉन बाहर थ्री आ गया। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी वन से, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज वन से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन थ्री कॉस वाई अपॉन थ्री माइनस की साइन, ये पूरी वैल्यू एज इट इज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री कॉस वाई अपॉन थ्री, बाहर आ गया डी वाई। साइन ऑफ इंटीग्रल और डी वाई इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो ये आ जाएगा थ्री वन अपॉन थ्री कॉस वाई अपॉन थ्री डी वाई माइनस की साइन थ्री साइन स्क्वायर वाई अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री कॉस वाई अपॉन थ्री डी वाई। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए एंगल का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, तो एंगल क्या है, वाई अपॉन थ्री, और वाई अपॉन थ्री का डेरिवेटिव क्या है, ये रहा। एंगल का क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, कॉस को इंटीग्रेट करने पर साइन वाई अपॉन थ्री आ जाएगा, ये माइनस की साइन आ गई। यहाँ पर आ जाएँ तो दो वैल्यूज प्रोडक्ट में, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, तो बेस का डेरिवेटिव देखेंगे, बेस क्या है, साइन वाई अपॉन थ्री, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो आपके सामने वो ये आ रहा है, तो बेस का डेरिवेटिव हमारे पास ये रहा। जब भी बेस का डेरिवेटिव मौजूद होगा तो इसमें क्या करेंगे, एड वन इन दी पावर, पावर में वन ऐड कराएंगे, डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, अभी दो तीन और सवाल करेंगे ऐसे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पार्ट सिक्स की बात कर रहा हूँ, कॉस की पावर फोर टू एक्स, साइन की पावर थ्री टू एक्स डी एक्स। बेटा देखो, साइन और कॉस अगर साथ आ जाए तो करना क्या है, जहां पर वाट पावर है उसमें सेलेक्ट करना वैल्यू को, तो ये आ गया कॉस फोर
टू एक्स, इसमें से एक का अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स इंटू साइन टू एक्स डी एक्स। बेटा जो वैल्यू हमने अलग करी है, हमें ये सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। साइन किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस का। अब साइन का जो एंगल है कॉस का भी वही एंगल होगा, तो कॉस का एंगल यहाँ पर क्या होगा? कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टू एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे एंगल के डेरिवेटिव से तो ये आ जाएगा माइनस का टू साइन टू एक्स। तो मैंने कहा पहले से ही क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो उस नंबर को जो चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू जो अलग करी है हमें ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव। हमने मल्टीप्लाई करा लिया यहाँ पर माइनस टू को, और यहाँ पर हमने डिवाइड करा लिया माइनस टू को, तो ये वैल्यू हो गई क्या? डेरिवेटिव ऑफ ऑफ कॉस टू एक्स। अब बेटा इसको छोड़ के जो बाकी तमाम वैल्यूज हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। यहाँ तो कॉस मौजूद है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो माइनस का वन अपॉइंट टू एज इट इज़ रहा, ये हो गया कॉस की पावर फोर टू एक्स। यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स इंटू माइनस का टू साइन टू एक्स डी एक्स। ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस का वन अपॉइंट टू, ये हो जाएगा कॉस की पावर फोर टू एक्स, कॉस की पावर सिक्स टू एक्स इंटू माइनस का टू साइन टू एक्स डी एक्स। ये जो वैल्यू है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये माइनस का वन अपॉइंट टू भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू बाहर, इसके साथ आएगा कॉस फोर टू एक्स। ये जो पूरी वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराना, बस इसको अलग से बॉक्स में लिख देना है क्योंकि डेरिवेटिव है बेस का। ये माइनस का वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉइंट टू, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस की पावर सिक्स टू एक्स, उसके साथ आ जाएगा माइनस का टू साइन टू एक्स डी एक्स। अब बेटा ये पूरी वैल्यू क्या है? डेरिवेटिव है बेस का, क्योंकि ये बेस है इसका डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ पर भी क्या है? ये बेस का डेरिवेटिव है क्योंकि दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है। तो ये आ गया माइनस का वन अपॉइंट टू, यहाँ पर हो जाएगा एड वन इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर प्लस की साइन वन अपॉइंट टू एज इट इज आ गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एड वन इन दी पावर, ये हो जाएगा सेवन टू एक्स अपॉइंट सेवन प्लस सी। तो ये वन अपॉइंट टेन कॉस की पावर फाइव टू एक्स, वन अपॉइंट फोर्टीन कॉस की पावर सेवन टू एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट टेन भी आप लोग करेंगे, उसके बाद पार्ट फाइव भी। एंगल्स आर डिफरेंट, साइन हो कॉस हो और दोनों के एंगल्स अलग अलग हों तो क्या करना है? एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर है वन अपॉइंट टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस की साइन साइन अल्फा माइनस बीटा।
तरीके से कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर उसके बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर है 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा, ओ सॉरी साइन अल्फा कह रहा हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर उसके बाद साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो जब भी एंगल्स डिफरेंट होंगे तो हमें ये काम, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि पार्ट नंबर 11 है, लिखा हुआ है साइन 2z साइन 3z। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा साइन बीटा का माइनस का 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस का 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल, ये आ गया कॉस अल्फा, हमारे पास ये है मतलब 2z प्लस 3z माइनस की साइन कॉस 2z माइनस 3z। माइनस का 1/2 बाहर आ गया, ये आ गया कॉस 5z माइनस का कॉस माइनस z dz। माइनस का 1/2 कॉस 5z बेटा, कॉस का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, माइनस की साइन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये वहाँ माइनस का 1/2 इंटीग्रल कॉस 5z dz आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल कॉस z dz। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 5z का डेरिवेटिव 5 होगा, तो मल्टीप्लाई कराया 5 से, नीचे डिवाइड करा दिया 5 से। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्योंकि मौजूद है यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस को इंटीग्रेट करने पर साइन आ जाएगा साइन 5z, ये प्लस की साइन आ गई। इसके एंगल का डेरिवेटिव 1 है तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस जेड को इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा साइन जेड प्लस सी आंसर। सेकेंड लास्ट स्टेप देखो अहमद, इस कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, इसका एंगल का डेरिवेटिव 5 है, तो मुझे यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 5 मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया, 5 डिवाइड भी करा दिया, जो मल्टीप्लाई वाला 5 है ना वो क्या है, वो डेरिवेटिव ऑफ एंगल है। जो डेरिवेटिव है एंगल का वो नहीं लिखेंगे अगले स्टेप में, जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे, ये एज इट इज़ आ गई, कॉस को इंटीग्रेट करने पर साइन आ जाएगा। यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि 1 है, जेड का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 तो बाहर मौजूद होता है हर जगह, तो डायरेक्ट कॉस को इंटीग्रेट करने पे साइन आ जाएगा। पार्ट 12, पार्ट 13 होमवर्क है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक जितने भी सवाल आते हैं देख लें, अगर कुछ नहीं कराया तो आप वो खुद करेंगे, सही है। पार्ट 1 से लेके 13 तक अब आप इस काबिल हो गए, पार्ट 1 से 13 तक जितने भी सवाल आते हैं वो खुद कर सकते हैं। ठीक है।
है, आज के लिए फिर इतना ही है। बाकी एक आखिरी टाइप रह गई है 10 और कॉट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा हमारा।